यहोशू अध्याय चौदह। जो जो भाग इसराइलियों ने कनान देश में पाए, जिन्हें एलियाजर याजक और नून के पुत्र यहोशू और इसराइली गोत्रों के पूर्वजों के घरानों के मुख्य मुख्य पुरुषों ने उनको दिया, वे ये है। जो आज्ञा यहोवा ने मूसा के द्वारा 9.5 गोत्रों के लिए दी थी, उसके अनुसार उनके भाग चिट्ठी डाल डाल कर दिए गए। मूसा ने तो 2.5 गोत्रों के भाग यार्दन पार दिए थे, परंतु लेवियों को उसने उनके बीच कोई भाग न दिया। यूसुफ के वंश के तो 2 गोत्र थे, अर्थात मनश्शे और एफ्रेम, और उस देश में लेवियों को कुछ भाग न दिया गया, केवल रहने के नगर और पशु आदि धन रखने को और चराइयां उनको मिली। जो आज्ञा यहोवा ने मूसा को दी थी, उसके अनुसार इसराइलियों ने किया और उन्होंने देश को बांट दिया। तब यहूदी यहोशू के पास गिलगाल में आए और कंजी यपुन्ने के पुत्र कालेब ने उससे कहा, तू जानता होगा कि यहोवा ने कादेश बरने में परमेश्वर के जन मूसा से मेरे और तेरे विषय में क्या कहा था। जब यहोवा के दास मूसा ने मुझे इस देश का भेद लेने के लिए कादेश बरने से भेजा था, तब मैं 40 वर्ष का था और मैं सच्चे मन से उसके पास संदेश ले आया, और मेरे साथी जो मेरे संग गए थे उन्होंने तो प्रजा के लोगों का मन निराश कर दिया, परंतु मैंने अपने परमेश्वर यहोवा की पूरी रीति से बात मानी। तब उस दिन मूसा ने शपथ खाकर मुझसे कहा था, तूने पूरी रीति से मेरे परमेश्वर यहोवा की बातों का अनुकरण किया है, इस कारण निसंदेह जिस भूमि पर तू अपने पांव धराया है वह सदा के लिए तेरी और तेरे वंश का भाग होगी। और अब देख, जब से यहोवा ने मूसा से यह वचन कहा था, तब मैं 45 वर्ष हो चुके हैं जिनसे इसराइली जंगल में घूमते फिरते रहे। उनमें यहोवा ने अपने कहने के अनुसार मुझे जीवित रखा है, और अब मैं 85 वर्ष का हूं। जितना बल मूसा के भेजने के दिन मुझमें था, उतना बल अब भी मुझमें है। युद्ध करने व भीतर बाहर आने जाने के लिए जितना उस समय मुझमें सामर्थ्य था, उतना ही अब भी मुझमें सामर्थ्य है। इसलिए अब वह पहाड़ी मुझे दे जिसकी चर्चा यहोवा ने उस दिन की थी। तूने तो उस दिन सुना होगा कि उसमें अनाकवंशी रहते हैं और बड़े बड़े गढ़वाले नगर भी हैं, परंतु क्या जाने संभव है कि यहोवा मेरे संग रहे और उसके कहने के अनुसार मैं उन्हें उनके देश से निकाल दूं। तब यहोशू ने उसको आशीर्वाद दिया और हेब्रोन को यपुन्ने के पुत्र कालेब का भाग कर दिया। इस कारण हेब्रोन कंची यपुन्ने के पुत्र कालेब का भाग आज तक बना है, क्योंकि वह इसराइल के परमेश्वर यहोवा का पूरी रीति से अनुगामी था। पहले समय में तो हेब्रोन का नाम किर्यतरबा था। यह अरबा अनाकियों में से सबसे बड़ा पुरुष था और उस देश को लड़ाई से शांति मिली।